हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी तरफ से आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोहन भोग। इसको आप अपने घर में बनाइए और जन्माष्टमी के दिन कान्हा को चढ़ाइए। बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखते हैं। लग रहे हैं ना मार्केट जैसे लड्डू? आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसको एक बार घर में बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये आपको कैसे लगे। अब हम शुरू करते हैं अपना मोहन भोग बनाना, जिसके लिए हमें इन सामग्रियों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैंने इलायची पाउडर ले लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने लड्डू में डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। आप ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। दूसरा मैंने कोकोनट पाउडर लिया है 100 ग्राम। फिर मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। ड्राई फ्रूट भी आपके घर में जो भी इजली अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। मैंने काजू और बादाम कट करके रख रखा है। ये मैंने बूरा, और कुछ लोग इसको बूरा बोलते हैं कुछ लोग तगार बोलते हैं, मैंने 250 ग्राम ले रखा है। और मैंने देसी घी ली है 2 टेबल स्पून, मावा 1 kg लिया है, और लास्ट में फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। जो मेरा फुल क्रीम मिल्क है वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। इसको गर्म करके फिर मैंने ठंडा कर लिया है और इसकी मलाई मैंने इसमें डाल दी है। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम मोहन भोग बनाना। जिसके लिए सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देते हैं और फ्लेम को ऑन कर देते हैं, और इसमें फिर हम 1 टीस्पून हम देसी घी डालते हैं। देसी घी इसलिए डाल रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट मावा हम कढ़ाई में डालेंगे तो मावा नीचे पकड़ने लगेगा। आप देसी घी डालने के बाद मावा को डालते हैं तो ये मावा नीचे की तरफ पकड़ेगा नहीं। तो आप इसको डालिए और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और इसको कंटिन्यूस आपको चलाना है। ये नहीं कि आपने एक बार चला दिया और आप जो है फिर आराम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है, नहीं तो मावा नीचे से पकड़ लेगा और जब ये जल जाता है तो फिर आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा लड्डू का जो एग्जैक्ट होता है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर देती हूँ और इसको अच्छी तरीके से चलाती हूँ। आप देखिए मावा थोड़ा पक चुका है। अब इसमें मैं फिर 1 टीस्पून देसी घी फिर ऐड करूँगी और इसको चलाऊँगी। तब तक चलाऊँगी जब तक देसी घी मावा में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये देखिए देसी घी जो मैंने डाला था वो मावा में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें फिर मैं 1 टीस्पून देसी घी डाल रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टेबलस्पून बोला है और टीस्पून क्यों डाल रही हूँ। तो अगर ये देसी घी लिक्विड होता तो लगभग आपका 2 टेबलस्पून के बराबर ये हो जाता। तो इसलिए मैंने अभी जो डाला है वो टीस्पून के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद जो मैंने फुल क्रीम मिल्क ले रखा था वो मैंने 1 टेबल स्पून अभी इसमें ऐड कर दिया है और इसको तब तक चलाऊंगी जब तक मावे में दूध एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये मिठाई आप बना के कम 8 से 10 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बनाने के बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसका आनंद लीजिए। ये देखिए मैंने जो मिल्क इसमें ऐड किया था वो एकदम एब्जॉर्ब कर लिया है मावा ने और इसको
इसका कलर भी आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा आया है। और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी। ड्राई फ्रूट मैंने पहले भी बोल रखा है कि जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो मिल्क और बचा हुआ है वो भी मैं अब इसके अंदर डालूंगी और तब तक चलाऊंगी जब तक ये मावा एब्जॉर्ब ना कर ले। ये देखिए हमारा मावा एकदम रेडी है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मैं इसको किसी साफ बर्तन में पलट लेती हूँ। अब मैं इसमें इसको पूरा खाली कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें इसको खाली कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैंने शुगर ऐड नहीं किया है, तो ये इसकी एक स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ कि हलवाई भी इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको खाली करते हैं तो आप अपने गरम जब आपका मावा रहे तभी आप इसमें तगार को ऐड करिए और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए कि कहीं ठीक से वो मिला है कि नहीं मिला है। उसके लिए आप प्रॉपर चारों तरफ से घुमा के इसको मिक्स करिए। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको लगभग 5 घंटे के लिए, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, हम इसको ऐसे ही इस बाउल में छोड़ देंगे। देख रहे होंगे कि ये एकदम ठंडा हो चुका है। आप देखिए कितना सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने जो देशी घी और मिल्क ऐड किया है उसकी वजह से मावा सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम शुरू करते हैं लड्डू बनाने का प्रोसेस। तो आपको घी लगाने की हाथ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें घी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो आप लड्डू की तरह इसको रोल करिए और जो मैंने कोकोनट पाउडर लिया हुआ था उसको इसके ऊपर मिलाना है, कोकोनट पाउडर को। ये देखिए कितना एक अच्छा लड्डू बन के तैयार हुआ, लग रहा है ना मार्केट जैसा। हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और हम इसको ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।